प्लीज फिर मारोगे का? अरे हो बिरजू महाराज, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। अरे दो मिनट देर से आए, अच्छा किया। और मौत गई यहाँ से। क्या बक रहा है तू? अरे हम बकत नहीं भैया, हम बता थे ऐसा हाथ जमा थे लौंडा, ऐसा हाथ जमा थे। हमका तो खाली रामायण बता के गया, महाभारत तो तुमका दिखाई। बिरजू उस्ताद, या तो हमारी पगार थोड़ी बढ़ा दियो, या पैसा हमका मिलता है कम और मार मिला से ज्यादा। जेकब आया था क्या? वो जेकब का तो हम अकेला ही निपटने काफी है, लेकिन हम बता देते अगर दोबारा वो लौंडे का हाथ हमरे थोबड़े पे पड़ा ना, तो हमरे बाप के सराज के साथ अगले बरस हमरा भी सराज बनाओगे। क्या नाम बताया था उसने? मनोज नाम था, बहुत कहता था रामपुर से आया है। वही नाम था, मनोज नाम था, विक्रम कहते थे, सीता का भाई है विक्रम। कहाँ है वो? कहाँ है विक्रम? हमको बिरजू कौन है? बिरजू? अरे वो तो एकदम आपका हाथ। मैं कब का पूछ रहा हूँ, बता कहाँ है बिरजू? कौन से? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम है विजय साहब। क्या नाम है तुम्हारा? हम मुरली, मुरली है हम। वो बिरजू जो है ना, वो गया है रामपुर। रामपुर से बिरजू एक लड़की उठाकर बम्बई भाग आया है, वो यही आएगा। कौन कहे, तुम यही ठहरो। ठीक है सर। बिरजू जरूर यहाँ आएगा। लगता है ये इलाका मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, पर याद रखना जब भी विक्रम आए मुझे खबर कर देना। वो तो हम कर देंगे, मगर एक बात तो बताओ सरकार, ये छोकरिया कौन है, ये कहाँ है? ये मातम छोड़ और छोड़ घुंघरू बांध। घुंघरू? और मैं बांधूंगी? हरगिज़ नहीं। देख राजा, तेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पाँव में घुंघरू बांध लेगी तो दौलत और शोहरत तो मिलेगी ही, इज्जत भी बरकरार रहेगी। ना मैं इज्जत बेचूंगी और ना ही मैं नाचूंगी। तुझे तो कहना पड़ रहा है राजा, वरना जोहरा ने तो न जाने कितनों को सिर्फ इशारों पे नचा दिया है। नाचेगी राजा, तू भी नाचेगी। मैं नहीं नाचूंगी, नहीं नाचूंगी, नहीं। चबो। शाबाश, अकलमंद हो राजा, आज से तुम्हारा नाम सीता नहीं, सितारा बाई है। लेकिन मेरी एक शर्त, नहीं नहीं, प्रार्थना है। कहो। अगर तकदीर ने इस कठपुतली के धागे आपके हाथ में दे ही दिए हैं, तो आप जैसा नचाएंगी ये नाचेगी, लेकिन ये धागे छोड़कर आपके हाथ इसके कपड़े उतारने के लिए कभी नहीं पड़ेंगे। हमें मंजूर है राजा, घुंघरू बांधकर उस्ताद जी के पास आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं। मेरी तकदीर में घुंघरुओं की झनकार भर देने वाले, ये तूने किस जन्म का बदला लिया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था बिरजू? ये
ये लो पैसे। क्यों शर्मिंदा करते हो बिरजू उस्ताद, मुझ पर तुम्हारे इतने एहसान है कि जिंदगी भर नहीं चुका सकता। एहसानों को धंधे में डालेगा तो भूखा मर जाएगा। ये ले। जियो मेरे बेटे। क्या चाहिए बिरजू? बिरजू? क्या कोई बिरजू नाम का आदमी आता है? हम यहाँ दारू पिलाते हैं, राशन कार्ड नहीं बनाते, जो हर एक का नाम दर्ज करते फिरे। सीधे से बोल, क्या बिरजू नाम का आदमी आता या नहीं, वरना ये दारू का धंधा बंद करके राशन कार्ड बनाने लगेगा। नहीं साहब नहीं, बिरजू नाम का कोई आदमी नहीं आता। मगर आप हैं कौन? विक्रम। डांस 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 डांस। ए गाड़ी रोको, अरे छोकरा। बिरजू, उस दिन तो अपनी ताकत का जरा सा नमूना दिखाया था जिसे तुम जुलूस समझ बैठे। अरे अगर असल में तेरा जुलूस निकाला होता ना तो तेरी लाश इन्हीं चमचों के कंधों पर होती जिनके कंधों पर तू यहाँ सवार होकर आया है। मार को, मार मार के इसका थोड़ा इतना बिगाड़ दो, मारो। ये तो कल सुबह पता चलेगा कुत्ते, जब म्युनिसिपैलिटी वाले तेरी लाश को कुत्तों की लाशों की तरह ठीक करने जाएंगे। शैतान का दूसरा नाम जैकब है। जैकब भाग ले वरना पैकअप हो जाएगा। भाग ले, भाग ले। अरे तुम्हारी जात का पैरपाट मारूं। तेरा उन लोगों से झाड़ा क्या है? क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं कि तेरा मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, एन वक्त पर मेरी जान बचाने पहुंच गया और मुझ जैसे लावारिस को अपने घर ले आया। तो क्या मरने के लिए तुझे सड़क पर छोड़ा था? अपना तो यही दस्तूर है दोस्त, या तो हाथ बढ़ाओ नहीं, और अगर बढ़ाओ तो फिर हटाओ नहीं, चाहे दोस्ती पर जान क्यों न कुर्बान हो जाए। एक बात बता। क्या? तेरा इस दुनिया में कोई नहीं? कुछ दिन पहले तो सब थे, माँ बाप और बहन, मगर अचानक एक आंधी आई और गुलशन जैसा हरा भरा घर शमशान में बदल गया। मुझे सब छोड़कर चले गए। माफ करना दोस्त, शायद मैंने तेरा दिल दुखाया है। वैसे तू करता क्या है? तलाश, उस राक्षस के भाई की तलाश जिसने मेरे खानदान के साथ खून की होली खेली। रखी भी तेरी तरह तलाश का मारा हुआ है। खैर, तूने अपना नाम नहीं बताया। विजय है मेरा नाम, इसके पहले कुछ और था जिसके साथ पुरानी यादें जुड़ी हैं। तू कहे तो बता दो। जो मेरे दोस्त के जख्म को कुरेद डाले वो नाम नहीं नश्तर होगा मेरे लिए। तुझे आराम की जरूरत है और मुझे तलाश की। इस वक्त मुझे जिसकी तलाश है उसे मिलने के लिए इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता।